हैं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान, जिनका नाम एक साथ कई बच्चों की मौत के बाद सुर्खियों में आया था। उस वक्त भी वो इस मामले में बुरी तरह फंस गए थे। एक बार फिर उनकी मुसीबत बढ़ गई है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। दरअसल एक किताब कफील खान के जी का जंजाल बन गई है। आरोप है कि किताब में योगी सरकार के खिलाफ विवादित दावे किए गए हैं। किताब के कुछ पार्ट कथित तौर पर योगी सरकार के खिलाफ हैं, जिसको लेकर लखनऊ में कफील खान और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। ये मुकदमा कृष्णानगर के रहने वाले एक व्यवसायी ने थाने में दर्ज कराया है, जिसकी शिकायत पर आईपीसी की कई धाराओं के साथ प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के उल्लंघन के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस में जो शिकायत की गई है उसके मुताबिक डॉक्टर कफील की किताब उनके समर्थकों के बीच पैसा जुटाने, राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने और केंद्र सरकार को रोकने के साधन के रूप में बेची गई है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में ऑक्सीजन की कमी के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान भी आरोपी बनाए गए थे। उन्हें सेवा से निलंबित करने के साथ जेल में डाल दिया गया था। काफी दिन जेल में काटने के बाद वो छूट गए। हालांकि अब किताब का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।